जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 1:02 हो चुकी आफ्टरनून, 1:02 PM, इट्स 9th मई, 9 मई 2019। और चलिए सीधा दिखा देते हैं आपको, ये मेरे 3 मिनट पहले का पोस्ट है, 11:264 फाइनल सपोर्ट और स्टॉप लॉस इफ़ यू हैव टेकन लॉन्ग पोजिशंस अराउंड 11:311 एज पर माई गुड मॉर्निंग पोस्ट। ये था 3-4 मिनट पहले दिया हुआ है, और ये एक पोस्ट था 40 मिनट पहले, 12:23। इफ गिव्स ग्रीन क्लोजिंग टूडे भेल इज़ अ वेरी गुड बाई फॉर ए टारगेट ऑफ 76+ इन 2 मंथ्स मैक्स, इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न इज इन प्रोग्रेस इफ गिव्स ग्रीन क्लोजिंग टूडे। ये देखिए, ये चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको इसका। ये देखिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जैसा पैटर्न बन रहा है, ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, अगर आज से ग्रीन क्लोजिंग होती है तो इस तरफ से ये यहाँ तक जाएगा 76, और इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला तो फिर आप 84 के लिए भी खेल सकते हो। तो ये एक कॉल था एनीवे, बट ये इसमें कंडीशन है कि आज अगर ग्रीन क्लोजिंग होगी तो, और 16-15 जून को सूरत में है ट्रेनिंग, और 2 जून को हैदराबाद, 25 मई को मुंबई, और 11 मई को दिल्ली, 11th में दिल्ली, 25 मई, 25th में मुंबई, 2nd जून हैदराबाद, एंड 15th जून सूरत, 11th में दिल्ली, 25th में मुंबई, 2nd जून हैदराबाद, एंड 15th जून सूरत। ये ट्रेनिंग्स है, सूरत में सिर्फ 5,000 रुपये फीस बढ़ाई है क्योंकि 5-स्टार होटल में करने की प्रोग्राम है, ठीक है। दिल्ली की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट फुल हो गई है, मगर ज़्यादा डिमांड है इसलिए 4 सीट मैंने और एक्स्ट्रा निकाली है, ठीक है। और ये मैंने लिखा हाउ पीजे गाइड्स, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया, तो छोड़िए उसको, तारीफ तो सभी करेंगे, पीछे से गालियाँ भी देते होंगे, इट्स अप टू, ये तो पब्लिक है, ये कुछ भी बोल सकती है, ठीक है। एनीवे, उनका प्यार है इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, वरना आई एम नॉट सपोज टू मेक वीडियोस। लेकिन आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार, ये सुबह का गुड मॉर्निंग पोस्ट 8:20 का, कितने का, 8:20 AM। तो इसमें क्या लिखा मैं पढ़ के सुना देता हूँ, बस इसके बाद वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरी वन, एवरीवेयर बेड न्यूज़, ट्रंप साहब ट्वीट्स आर क्रिएटिंग मोर पैनिक्स, एंड FIs सोल्ड हैविली yesterday. Now million dollar question is what to do here. Yes, firstly one more support 11,311 is also very near, as yesterday's low was 11,346. Now as per me, a pullback might come around 11,311, but very strictly stop loss shall be 11,264. अगर आज 11,311 को बचा के ऊपर क्लोज करता तो भी एक पॉजिटिव रहेगा दोस्तों, याद रखना, आज क्लोजिंग भी 11,311 के ऊपर देते तो भी पॉजिटिव है, ये भी मानिए, क्योंकि मुझे फ्राइडे से तो टर्न अराउंड कन्फर्म लग रहा है, क्योंकि आज 3 ब्लैक सोल्जर्स बन जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर जो पहले आप लोग मेरा वीडियो जिसने भी देखा होगा उसको मैं सिखा देता हूँ, आज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझ जाएंगे। देखिए ये आप लोग जिसको जो मुझसे पहले से देख रहा है उसको याद होगा, मैं समझा देता हूँ, इसको 6 मंथ्स कर देता हूँ पहले, या 3 मंथ्स ही कर देता हूँ। देखिए निफ्टी में ये 2 कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है, मंगलवार को पूरी रेड कैंडल और बुधवार को भी पूरी रेड कैंडल, अगर आज भी रेड कैंडल बन जाती है या तो आज ही रिवर्सल हो जाएगा तो अलग बात है, वरना आज भी इतनी बड़ी अगर रेड कैंडल बनती तो इसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस। क्या बोलते हैं इस पैटर्न को, क्या बोलते हैं, 3 ब्लैक क्रॉस। और 3 ब्लैक क्रॉस के बाद कई बार सरप्राइजिंगली 3 व्हाइट सोल्जर्स आते हैं, ऐसे ही बड़ी बड़ी 3 व्हाइट कैंडल भी आ सकती है, यानी कि शुक्रवार से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम तेज़ी में आ जाएं वापस, वो भी सेकेंड आपसे, कल एक बार डाउन तो ज़रूर जाएगा,
फ्राइडे को मार्केट डाउन जरूर जाएगा, लेकिन वहाँ से सेकेंड हाफ से बहुत अच्छी तेजी का मुझे चांसेस लग रहा है। अगर ये आज भी रेड क्लोजिंग अच्छी खासी ये देता है तो, और आज से रिवर्सल हुआ तो भी चांसेस है, क्योंकि आप देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन मुझे सातवा कल का ही लग रहा है, कल से ही लग रहा है। फिर भी इंट्राडे में आपको एक बाउंस देगा तो देखिए। एनीवे मैं कहाँ पे था? हाँ यस, 11,300 और स्टॉप लॉस आपका 264 रहना चाहिए, टारगेट इंट्राडे के लिए 390। बट इट्स नॉट ए ओवरऑल बाई कॉल, क्या लिख रहा हूँ मैं, बट इट्स नॉट ए ओवरऑल बाई कॉल इफ मार्केट राइजेज ऑल्सो विल बी ए टेक्निकल पुल बैक, सो इट्स नॉट पोजिशनल बाई, इट्स जस्ट एन इंट्राडे ट्रेड। वीकली एक्सपायरी टूडे, सो वॉलीटिलिटी विल बी ह्यूज। समझदार लोगों को तो मार्केट से दूर ही रहना चाहिए, और एंट्री तभी करें जिस दिन हिस लिखा गया, जिस दिन निफ्टी 11,540 के ऊपर क्लोज करे, 11,540 स्पॉट के ऊपर। नाउ सेलिंग प्रेशर इज ह्यूज एंड कॉल्स आर रिटर्न लाइक एनीथिंग बाय एफआई, सो बाई करने करना भी खतरा है। लेकिन एज पर मी फ्राइडे से तेजी की शुरुआत फिर से होगी, मगर वो टिकाऊ है कि नहीं वो इस पर निर्भर करेगा कि निफ्टी स्पॉट 11,540 के ऊपर क्लोज कर पाएगा कि नहीं। जो निफ्टी कैंडल्स का पैटर्न बन रहा है वो ऑलमोस्ट 3 ब्लैक क्रोस जैसा है, जिसमें 2 ब्लैक क्रोस ट्यूसडे एंड वेनसडे बन चुके हैं, आज तीसरा बन गया, तो फोर, फिर ये फोर नहीं है, फिर मेरे हिसाब से 3 व्हाइट शोल्डर्स बन सकता है, जिसकी शुरुआत फ्राइडे से होनी चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। आपका दिन शुभ हो, थैंक्स, दैट्स इट। सो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।